यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रयागराज 19 अगस्त 2023 को दोपहर प्रेस क्लब में परिष्कृत सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थान प्रयागराज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यांगना सुप्रिया सिंह रावत का सम्मान समारोह मेरी माटी मेरा देश लोक रंग के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में सम्पन्न हुआ धूमधाम से। प्रयागराज परिष्कृत सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थान प्रयागराज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यांगना सुप्रिया सिंह रावत का सम्मान समारोह व मेरी माटी मेरा देश लोक रंग के साथ कल 19 अगस्त 2023 को दोपहर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुई। अतिथि के रूप में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उदय चंद्र परदेशी ने कहा कि लोक कला भारत की पारंपरिक संस्कार से जुड़ी है। लोक कला को मजबूत करने के लिए आम जनमानस को जोड़ना है। मौके पर मौजूद संस्कार भारती की कल्पना सहाय ने कहा कि सुप्रिया ने बहुत कड़ी मेहनत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ नगरी प्रयागराज की पहचान बनाई है। ढेड़िया लोक नृत्य के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र ढेड़िया में दीपक रखकर भाई की नज़र उतारी जाती है। वित्त मंत्रालय के आमंत्रण पर उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनिशिया के 10 जिलों में ढेड़िया लोक नृत्य अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुत करके सुप्रिया सिंह रावत ने जलवा बिखेरा। भारत देश का प्रतिनिधित्व करके परचम लहराते हुए कुंभ नगरी प्रयागराज को भी गौरवान्वित किया। सुप्रिया का कहना है कि तिरंगे का प्रतिनिधित्व करना हर हिंदुस्तानी का सपना होता है। उनके ढेड़िया लोक नृत्य समूह में रंगोली, अनुश्री, मधुरिमा, कनिष्का, प्राची आदि बच्चों ने प्रतिभाग किया था। सुप्रिया इससे पहले वंदे मातरम जैसे बड़े आयोजन में प्रतिभा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना पा चुकी है। सुप्रिया के ढेड़िया लोक नृत्य सिर पर दीपों से प्रज्वलित कर कलशों को सजा कर किए जाने वाले ढेड़िया लोक नृत्य के शिरकत की दीवानगी इन दिनों सात समुंदर पर ट्यूनिशिया में भी छाई है। प्रयागराज से पूनम चौरसिया की खास रिपोर्ट। बेसिकली दिस इज सुप्रिया डांस ग्रुप एंड वी जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल लाइक वी जस्ट वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ ट्यूनिशिया एंड इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम and we love to be here. It was a beautiful program and like this was an event with so much spectators were there, so we love to see them and this beautiful location, this environment, your energy and this kind of hospitality. So I just want to thank you all of you guys.